अस्सलाम वालेकुम भाई, कम्युनिकेशन पढ़ पढ़ के कुछ बोर हो गए, चलें अच्छी आपको एक शायरी सुना दें, एक दौर की लिखी हुई, और जो जिसके ऊपर ये लिखी हुई है बेचारा वो एक अनजान सा है, और हम में से बहुत सारे लोग इस उम्र में अनजान होते हैं, और जो वाकयात हालात उनके साथ होते हैं वो इस आपको इसमें शायरी में मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। इसका नाम हमने रखा था अनजान आशिक, है थोड़ी सी कॉमेडी लेकिन उम्मीद है आपको पसंद आएगी, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो आपके माजी में कहीं ना कहीं ये दौर आपके ऊपर भी गुजरा होगा। इसके स्टार्ट इस तरह है कि दिल दीवाना तुझे चाहने लगा कब, कुछ पता न चला मुझको, कब ये पागल होने लगा कुछ पता न चला मुझको, कब सबको पता चला कुछ पता न चला मुझको, कब हो गए एक जान एक दिल कुछ पता न चला मुझको, कब मैं पागल होने लगा कुछ पता न चला मुझको, जब जमाने ने उठाई रस्मों की तलवार मुझ पर, जब जमाने ने उठाई रस्मों की तलवार मुझ पर, बड़ी हैरानगी हुई कि क्या ठान ली जमाने ने मुझ पर, फिर अपने आप से पूछा अदनान ये क्या हो गया है तुझको, आवाज आई तुझे प्यार हो गया है, क्या अब भी पता ना चला तुझको। असल में होता ही है कि हम लोग जब छोटे होते हैं और लड़कपन में आ रहे होते हैं, तो मैं ऐसा सोचता हूं कि इंसान को बचपन से जवानी तक और बुढ़ापे तक बहुत मर्तबा प्यार हो जाता है। हम उसे प्यार नहीं कह सकते, हम उसे अट्रैक्शन कहते हैं। अट्रैक्शन ये कहते हैं एक वक्त आने के बाद हमारे यहाँ एक सिम होती है और वो एक्टिव हो जाती है। उस एक्टिव होने के बाद जब वो रूह हमारे सामने आती है तो ये सिम कनेक्ट हो जाती है। होता ये है कि बचपन में एक दौर ऐसा था कि लड़के लड़कियाँ साथ खेलते थे, कभी कोई बात ही नहीं थी। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि अच्छी खासी बच्चियाँ उम्र की गली में खेल रही होती थी, कोई बात नहीं थी, कोई गंदगी नहीं थी दिमाग में ना कुछ था। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि अचानक वही बच्चियाँ जो आपके साथ खेल रही होती हैं, अचानक उनके माँ बाप उनको खींच लेते हैं एक तरफ। आपका मासूम जहन होता है, आपको समझ ही नहीं आ रही होती, आपको समझ नहीं आती कि यार ये क्या हो गया, कल तक एक्स वाई जेड कोई भी नाम आपके साथ खेल रहा था, आप उसको मार रहे थे, कई मर्तबा लड़कियों से लड़ाई हो जाती थी और वो सही कूट देती थी लड़कियाँ, खासतौर पर उनके नाखून तेज होते थे तो वो अच्छा खासा नोच देती थी, पेट पे लात मार देती थी, बड़ा बुरा ठीक ठाक, और बेचारे लड़के अच्छे खासे होके पिट जाते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है अचानक वही कज़न आपके साथ खेल रहे हैं, अचानक आप देखते हैं कि लोग आपसे बच्चियों को पीछे करना शुरू कर देते हैं। अच्छा उस दौर में ना एक एडल्ट एजुकेशन थी नहीं, कोई समझाने वाला नहीं था कि क्या हो रहा, वो मासूम सा जहन जो है वो परेशान हो जाता था कि यार एक साथ खेल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, खा रहे हैं पी रहे हैं एक ही प्लेट में खा रहे हैं, माँ बाप के सामने खा रहे हैं, छत पे खेल रहे हैं, कोई मसला ही नहीं। अचानक ये सब कुछ अलग हो गया। जब अलग होते हैं तो एक फीलिंग होती तड़प की मिलने की, रोज़ खेलते थे आज मिल नहीं रहे। तो इसमें जो शायर है वो ये इसी किस्म का है, एक अनजान आशिक है कि वो कब से चाह रहा है उसको, कब उसके साथ घूम फिर रहा है उसको पता ही नहीं चला, कब पागल हो रहा है कुछ पता नहीं चला। जब जमाने ने उठाई रस्मों की तलवार मुझ पर का मतलब ये है कि रस्में लग गई बीच में कि बेटा आप ज़रा ध्यान से, आप बाहर नहीं जाके खेलना, अब उस लड़के के साथ नहीं खेलना, अब उस बच्ची जो उस बच्चे के साथ तकरीबन 10-12 साल की उम्र तक वो खेलती रही, एकदम सब पाबंदियाँ लग गई, दोस्ती तो अपनी जगह ही है, अचानक वो दुपट्टों में चली गई, मुर्गों में चली गई, अबायों में चली गई, तो इंसान को परेशानी होती है। और फिर उस वक्त वो उसे अपने आप से पूछता है कि यार जमाने ने उठाई रस्मों की तलवार मुझ पर, फिर बड़ी हैरानी होगी कि क्या ठान ली जमाने ने मुझ पर, कि ये क्या हो रहा है, क्यों रुकावटें लग रही हैं सारी, फिर अपने आप से पूछा अदनान ये क्या हो गया है तुझको, आवाज आई तुझे प्यार हो गया है, क्या अभी पता ना चला मुझको। ये बड़ा एक पाकीज़ा दौर था कि जिसमें सिर्फ मिलने की चाहत थी, साथ खेलने की चाहत थी, साथ बैठने की बातें करने की चाहत थी। तो उम्मीद है
क्योंकि शायरी के साथ अशीरी भी करनी पड़ी है ताकि समझ आए। बहुत शुक्रिया, आपने अपने आस पास वालों का ख्याल रखिएगा। हल्की फुल्की शायरी मिजाज आपको और इस तरह की बहुत सारी तहरीरें आपको सुनाएंगे साथ साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।